सूर्यन ने जीता। टॉस शुरू हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला। दमदार रणनीति के साथ उत्तरी टीम इंडिया तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगा तगड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के मैदान पर खेला जा रहा है। इस महामुकाबले को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ ये टीमें मैदान पर उतरी। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले की क्या रणनीति रहेगी, कौन से खिलाड़ी कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किन दमदार खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतेगी। इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसे एंड तक जरूर देखें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस महामुकाबले के बारे में, तो टीम इंडिया जहां पर पहले T20 मुकाबले को 2 विकेट से जीत चुकी है और अब दूसरा T20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में टीम इंडिया में दमदार खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। पिछले मुकाबले को भी भारतीय टीम ने ऐतिहासिक तरीके से जीता था, तो ऐसे में यहाँ पर इस महामुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार फॉर्म में सूर्या मैदान पर उतरेंगे और इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचेंगे। वैसे भारतीय टीम इस मुकाबले में 3 मुकाबलों को जीतकर इस सीरीज पर अपना कब्जा बनाना चाहेगी, तो ऐसे में भारतीय टीम इस मुकाबले को दमदार तरीके से जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी। हम बात करें इस महामुकाबले के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे स्टीवन स्मिथ के साथ मैथ्यू शॉर्ट, तो नंबर 3 पर इस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे जॉस इंग्लिस, तो नंबर 4 पर मार्कस स्टोइनिस उतरेंगे, नंबर 5 पर टीम डेविड को मौका मिलेगा तो नंबर 6 पर आरोन हार्डी उतरेंगे, नंबर 7 पर मैथ्यू वेड उतरेंगे तो नंबर 8 पर सॉन एबार्ड उतरेंगे, वहीं नंबर 9 पर नाथन इलिस खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 10 पर जेसन बैरनड्रॉप और नंबर 11 पर तनवीर सांगा को मौका मिलेगा, जो कि एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए जीतना चाहेंगे। दूसरी तरफ भारतीय टीम की शानदार रणनीति की हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़, तो नंबर 3 पर ईशान किशन को मौका मिलेगा, नंबर 4 पर टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरेंगे तो नंबर 5 पर तिलक वर्मा को मौका मिलेगा, नंबर 6 पर रिंकू सिंह उतरेंगे तो नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलते हुए दिखेंगे, तो वहीं पर नंबर 8 पर रवि बिश्नोई तो नंबर 9 पर खेलते हुए दिखेंगे अर्शदीप सिंह, नंबर 10 पर मुकेश कुमार और नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे, जो एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीतना चाहेंगे। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत की, तो आज ये मुकाबला शुरू होगा तिरुवनंतपुरम के मैदान पर भारतीय समयानुसार शाम के 7 बजे, जिसे आप लाइव देख सकेंगे बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों, क्या लगता है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक बार फिर भारतीय टीम इस महामुकाबले को जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।